सुनो जी, आप वो अब्दुल मियाँ के बेगम के जनाजे में गए नहीं? अरे किस मुंह से जाऊं, वो अपनी दूसरी बीवी के जनाजे में बुला रहा है, मैंने तो एक बार भी नहीं बुलाया उसको। अरे यार मैं थोड़ा बिजी था यार, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, तू जा नहीं सकती थी उसको देखने? सॉरी यार मैं इस बार भूल गई, अब जब भी दूसरी बार एक्सीडेंट होगा ना मैं पक्का जाऊंगी। दोस्तों सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का अपना अलग ही फायदा है। खैर मैं तो लेट उठता हूँ, आप लोग जरूर किया करो। अरे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार। अरे परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। मुँह ही तुम्हारा परेशानी वाला है। सुबह सुबह बालकनी में सूट पहन के क्यों खड़े हो? कुछ नहीं यार, ये देखो टाइट हो गया थोड़ा, चेक कर रहा था कैसा लग रहा हूँ। मुझे सब पता है, तुम्हारी पड़ोसन आ गई ना, इसलिए यहाँ राजा बाबू बन के खड़े हो। इतनी भी क्या जल्दी थी कि पैंट पहनना तक भूल गए? देखो जी मैं आपके लिए कितनी सुंदर शर्ट लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी शर्ट है यार, कितने की पड़ी ये? पूरे 5,000 रुपए की पड़ी आपकी शर्ट। क्या 5,000 रुपए की शर्ट? बहुत महंगी है यार। दो सूट में ये फ्री थी, तुम्हारे इस साड़े चक्कर में मुझे दो सूट लेने पड़े। अरे मुझे नहीं चाहिए। गम उठाने। अब क्या हो गया, ऐसी सड़ी शक्ल बनाए क्यों बैठा है? अब क्या बताऊं यार, तेरी भाभी ने ना नाक में दम कर रखा यार। अरे अब क्या कर दिया भाभी ने, इतनी तो प्यारी भाभी है मेरी। यार हर हफ्ते पैसे मांगती यार, कभी 10,000 कभी 20,000, हर हफ्ते पैसे चाहिए यार उसको। है इतने पैसों का करती क्या है भाभी यार? अब मुझे क्या पता यार, मैं देता थोड़ी हूँ। कौन सा ब्रांड है, पहले पैक में चढ़ गई क्या तेरे को? मुझे पता था तू भी नहीं समझी। हाँ भाई क्या हाल है? अरे खुशी की बात है यार, तेरी भाभी मायके जा रही है। अरे 10-12 दिन की आजादी है। अरे भाई तेरी भाभी को 10-12 दिन की आजादी मिल जाएगी यार, बेचारी यहाँ पूरे दिन काम करती है, वहां पे अपने मम्मी के साथ थोड़ा आराम करेगी, वहां थोड़ी काम करना पड़ेगा, इसलिए खुश हूँ यार, है ना? चल मैं रखता हूँ। अच्छा आप इसलिए खुश हो कि मुझे 10-12 दिन के लिए आजादी मिल जाएगी? हाँ। आप कितने अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। सारा दिन गुटखा खाते हो, इतना गुटखा मत खाया करो, उम्र कम हो जाएगी और जल्दी बुढ़े हो जाओगे। अरे तुमको पता है हमारी दादी जी थी 105 साल जी थी वो। हाँ तो वो गुटखा नहीं खाती होंगी? नहीं वो अपने काम से काम रखती थी। अरे यार दीदी कितने फोन करती है। हाँ हेलो। हेलो, अरे मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, बता दो मुझे कैसे चलाते हैं। अरे यार तुम्हें वाईफाई कनेक्ट करना नहीं आता यार, छोटी छोटी चीजों के लिए फोन कर देती हो। अच्छा चलो अपने फोन की सेटिंग खोलो। अच्छा एक मिनट रुको। हाँ सेटिंग खोल ली। हाँ अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है? पंखा। अरे देहाते, अब एक काम कर उसी पंखे में लटक जा, वाईफाई सीधा हाईफाई हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे फोन में आरती का फोन क्यों आ रहा है? मैं तो लुट गई है भगवान, सहेली मेरी तुम्हें फोन। अरे चुप हो जा, ये तेरा ही फोन है। हाँ तो मेरी सहेली मुझे तो फोन करेगी, इतना शोर क्यों कर रहे हो? ये भगवान क्या जुलूम है। मैं चली। अरे अरे ये क्या कर रही है ऊपर चढ़ के? दिख नहीं रहा, मैं खुदकुशी कर रही हूँ। वाओ खुदकुशी? अरे लेकिन खुदकुशी के लिए गले में बांधना पड़ता है। मैंने गले में बांधा था, बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमर में बांध के मरूंगी अब। अरे तेरी कमर में तो आएगा भी नहीं मोटी, वो तो छुपली। दोस्तों
आज सुबह सुबह मेरे पति देव बालकनी में खड़े होकर पड़ोसन के लिए गाना गा रहे थे, तू लौंग मैं इलायची। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं चाय बना रही हूँ, कहो तो मैं दोनों को मिला के कूट दूँ। अच्छा तू है, सुना है अपनी बीवी को बड़ा डरा ढमका के रखता है, है? तेरी बीवी तेरे से डरती है? सारे साफ 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 सुन, अबे सफाई मत दे, तरीका बता, तरीका है। ए दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इस दुनिया में माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर होता है, इसलिए इस दुनिया के सारे कवारों के लिए मेरा एक संदेश है कि जल्दी से शादी करो और माँ बाप बनो, ताकि तुम लोगों का भी दर्जा थोड़ा ऊंचा पहुंच जाए। कब तक भटकते रहो गलियों में? डॉक्टर साहब, ये आप ही की रिपोर्ट देख रहा था, काफी ठीक ठाक लग रहा है, पीना वीना कम किया कि नहीं? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पीना पाना तो अब बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। हाँ कोई बहुत जबरदस्ती करे तो कभी कभार ले लेता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये सज्जन कौन है? अरे हमको ही तो जबरदस्ती करने के लिए रखे हैं। अरे है नहीं डॉक्टर साहब, पूरा तनख्वाह देते हैं 24 घंटे का। सुनो जी, आप शादी से पहले कहा करते थे कि जब तुम हंसती हो ना तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। हाँ, कहता तो था। अब मैं इस तरह कैसी लगती हूँ देखो ना। ओह नो, अरे मैया रे, अरे नहीं बचाओ। अरे सुनो, ये हिप्नोटाइज क्या होता है? अरे किसी को अपने वश में करके उसे सारे काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी कहते हैं।